गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर बलबीर सिंह, सहायक आचार्य जैन विश्व भारती संस्थान लाटनू। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण पक्ष शीत युद्ध के बारे में कुछ विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। शीत युद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई, शीत युद्ध से हमारा क्या आशय है और शीत युद्ध के वातावरण ने विश्व राजनीति को कैसे प्रभावित किया आदि पहलुओं का हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। शीत युद्ध की राजनीति ने विश्व को काफ़ी प्रभावित किया। विश्व दो गुटों में बट गया, एक अमेरिकी समर्थक देशों का गुट बना जिसे पूंजीवादी गुट के नाम से जाना जाने लगा और एक सोवियत संघ समर्थक देशों का गुट बना जिसे साम्यवादी गुट के नाम से जाना जाने लगा। इन दोनों गुटों ने विश्व व्यवस्था को काफ़ी प्रभावित किया। आपसी प्रतिद्वंद्वता, अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करने तथा एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में कमी लाने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा जो प्रयास किए गए, जो नीतियाँ अपनाई गई और जो कार्यक्रम किए गए, उन सब को ही शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। शीत युद्ध और युद्ध सामान्य हम एक ही मान लेते हैं, लेकिन युद्ध और शीत युद्ध में मौलिक अंतर पाया जाता है। युद्ध शांति का विलोम है और शांति युद्ध का विलोम है। जहाँ शांति होती है वहाँ युद्ध की संभावनाएं बहुत कम होती है और जहाँ युद्ध होता है वहाँ शांति बनी नहीं रह सकती। इस प्रकार शीत युद्ध शांति और युद्ध के बीच की स्थिति का नाम हम कह सकते हैं। इसमें न तो किसी राष्ट्र में पूर्णतः युद्ध की स्थितियाँ बनती है और न ही किन्हीं राष्ट्रों के मध्य पूर्णतः शांति स्थापित हो पाती है, और जो बीच का जो तनावग्रस्त, भयग्रस्त और अराजकपूर्ण अविश्वास का, आतंक का जो माहौल होता है उसे शीत युद्ध का नाम दिया जाता है। इसके बारे में अलग अलग विचारकों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं भी व्यक्त की है। तो हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध की राजनीति ने विश्व व्यवस्था को काफ़ी प्रभावित किया, विश्व व्यवस्था को काफ़ी एक तरह से नए आया रूप में लाने का प्रयास किया। अतः शीत युद्ध का अध्ययन करना हमारे लिए अति आवश्यक है। कुछ विचारकों ने शीत युद्ध को मनोवैज्ञानिक युद्ध की संज्ञा दी है, तो कुछ विचारकों ने इसे स्नायु युद्ध के नाम से पुकारा है, कुछ विचारक इसे वाक युद्ध भी कहते हैं। इस प्रकार शीत युद्ध एक मनोवैज्ञानिक युद्ध, वाक युद्ध, वैचारिक युद्ध आदि नामों से जाना जा सकता है। शीत युद्ध के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू, कृष्णा मेनन और MS राजन जैसे विचारकों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं, अपने वक्तव्य दिए हैं जिनके आधार पर शीत युद्ध का विश्लेषण किया जा सकता है। इन विचारकों ने शीत युद्ध को अविश्वास और आतंक के वातावरण का नाम दिया है। जवाहरलाल नेहरू ने तो शीत युद्ध को परिभाषित करते हुए यह भी कहा है कि शीत युद्ध निलंबित मृत्युदंड के समान है, अर्थात किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया जाए, घोषणा कर दी जाए और उसको निलंबित कर दिया जाए तो उस व्यक्ति की क्या मनोदशा बनती है, इसमें उसकी क्या स्थिति बनती है, वही स्थिति राष्ट्रों की शीत युद्ध के वातावरण में बनती है। तो शीत युद्ध काफ़ी प्रभावशाली एक तरह से आयाम रहा है विश्व राजनीति का, काफ़ी महत्वपूर्ण आधार रहा है, अतः इसका अध्ययन करना आवश्यक है। शीत युद्ध की प्रकृति की हम बात कहें तो शीत युद्ध दो विरोधी विचारधाराओं की प्रतिद्वंद्वता का परिणाम था। शीत युद्ध दो राष्ट्रों की प्रभावशीलता बढ़ाने की प्रवृत्ति का परिणाम था। शीत युद्ध पूंजीवादी और साम्यवादी दो विचारधाराओं के प्रतिरोध का परिणाम था। ये एक तरह से राष्ट्रों की प्रतिद्वंद्वता, प्रतिस्पर्धा और अपनी प्रभावशीलता को बढ़ाने का परिणाम माना जा सकता है। इसने विश्व व्यवस्था को काफ़ी प्रभावित किया। तो हम कह सकते हैं शीत युद्ध का वातावरण विश्व राजनीति में काफ़ी प्रभावशाली माना जाता है। आगे हम बात करें शीत युद्ध की शुरुआत क्यों हुई, शीत युद्ध के ऐसे क्या कारण थे, शीत युद्ध के क्या आधार थे जिसके कारण विश्व राजनीति ने शीत युद्ध को एक तरह से काफ़ी प्रभावित किया, शीत युद्ध के वातावरण को काफ़ी बढ़ावा दिया। विश्व व्यवस्था में ऐसे क्या
व्यवस्थाएं थी, ऐसे क्या आधार थे जिनके कारण शीत युद्ध की राजनीति शुरू हुई, उन बातों का हमें अध्ययन करना भी आवश्यक है। तो शीत युद्ध का पहला जो हम कारण माने उसमें कारण ये माना जाता है कि प्राचीन काल से ही अमेरिका और सोवियत संघ चाहे महाशक्ति नहीं थे लेकिन इनमें अपनी प्रतिस्पर्धा की स्थिति चल रही थी, और उस प्रतिस्पर्धा की स्थिति के कारण दोनों देशों ने जब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक शक्ति के रूप में उभरे तो दोनों ने ही अपना अपना वर्चस्व बढ़ाने का प्रयास किया। तो प्राचीन काल से ही इनके बीच प्रतिद्वंद्विता चल रही थी और उस प्रतिद्वंद्विता को फलीभूत और उसको प्रफुल्लित करने के लिए दोनों राष्ट्रों ने अपना अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने का प्रयास किया और शीत युद्ध की राजनीति शुरू हुई। दूसरी हम कहें इन दोनों ही राष्ट्रों में वैचारिक मतभेद था। अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा में विश्वास करने वाला राष्ट्र रहा जबकि सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा में विश्वास करने वाला राष्ट्र रहा। दोनों ही राष्ट्र अपना अपना दृष्टिकोण अलग अलग रखते थे, एक पूंजीवादी समर्थक राष्ट्र था, दूसरा साम्यवादी समर्थक राष्ट्र था। तो इनमें किसी प्रकार का समायोजन, किसी प्रकार की सहयोग और किसी प्रकार की एक तरह से सौहार्द की स्थिति उत्पन्न होना संभव नहीं था। तो वैचारिक मतभेद भी शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तीसरी हम बात कहें तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो भी समझौते हुए, जो भी एक तरह से वार्ताएं हुई, उन वार्ताओं का एक दूसरे ने उल्लंघन करना शुरू कर दिया। जैसे अमेरिका द्वारा सोवियत संघ को जो लैंड लीज सहायता दी जा रही थी, लैंड लीज समझौते के माध्यम से सहायता दी जा रही थी, उसका अमेरिका ने धीरे धीरे रोक करना शुरू कर दिया। इससे सोवियत संघ नाराज हुआ और इनके बीच शीत युद्ध की राजनीति शुरू हुई। दूसरी हम बात कहें कि और क्या कारण इसका माना जा सकता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो वीटो की शक्ति प्रदान की गई पांच स्थायी राष्ट्रों को, उनमें अमेरिका और सोवियत संघ भी शामिल थे। अब जहाँ जिस बात को अमेरिका लागू करवाना चाहता वहाँ सोवियत संघ उस बात को अप्रभावी बनाने के लिए अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग कर लेता, और अमेरिका जिस सोवियत संघ जिस बात को लागू करवाना चाहता उसके प्रत्युत्तर में अमेरिका उस बात को अप्रभावी बनाने के लिए अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग कर लेता। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही राष्ट्रों ने वीटो की शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और इनके बीच इस दुरुपयोग के चलते तनावग्रस्त स्थिति को बढ़ावा मिला और शीत युद्ध की राजनीति शुरू हुई। आगे की बात हम कहें तो इन राष्ट्रों के अपने अपने हित थे, हितों के कारण इनके मध्य हित संघर्ष की राजनीति शुरू हुई और हितों को बढ़ावा देने के लिए इन दोनों राष्ट्रों ने एक दूसरे के प्रभाव में गिरावट बनाने का प्रयास किया और इनकी प्रतिद्वंद्विता बढ़ती चली गई और शीत युद्ध की राजनीति को बढ़ावा मिला। तो बहुत सारे अन्य कारण भी शीत युद्ध की उत्पत्ति के माने जा सकते हैं। आगे हम बात कहें शीत युद्ध की राजनीति ने विश्व व्यवस्था को कैसे प्रभावित किया, या हम कहें शीत युद्ध के कारण विश्व व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े, ये भी हमें स्पष्ट करना आवश्यक है। तो शीत युद्ध की राजनीति ने विश्व व्यवस्था को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। विश्व व्यवस्था के मानक बदले, विश्व व्यवस्था में राष्ट्रों के संबंधों में परिवर्तन आया, राष्ट्रों के आपसी जो निर्धारणकर्ता आधार थे वो आधार भी बदले। विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया, पूंजीवादी और साम्यवादी। विश्व में आतंक और अविश्वास का वातावरण पैदा हो गया, एक तरह से तनावग्रस्त स्थिति पैदा हो गई। सोवियत संघ की स्थिति काफ़ी कमजोर हो गई। सोवियत संघ के बारे में कहा जाता है कि शीत युद्ध के वातावरण में सोवियत संघ पंगु सा बन गया था। पंगु होने का अर्थ है कि उसकी स्थिति अजीबोगरीब हो गई कि वो अमेरिका की बात को स्वीकार करे या सोवियत संघ की बात को स्वीकार करे। दोनों राष्ट्रों की प्रतिद्वंद्विता का सोवियत संघ अखाड़ा बन गया और इनके बीच एक तरह से प्रतिद्वंद्विता की स्थिति आने लगी। तो सोवियत संघ और अमेरिका की शीत युद्ध की राजनीति ने संयुक्त राष्ट्र संघ को काफ़ी कमजोर बना दिया, उसकी शक्तिहीनता को सामने उजागर किया। तो हम कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थिति काफ़ी निर्बल हो गई थी शीत युद्ध के वातावरण में। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो एक महत्वपूर्ण अंग है सुरक्षा परिषद, उसकी स्थिति भी शीत युद्ध के वातावरण में काफ़ी कमजोर हो गई थी। सुरक्षा परिषद में जो भी निर्णय होते वो अमेरिका और सोवियत संघ की कार्यवाही से बिल्कुल प्रभावित माने जाते। जहां अमेरिका जो बात चाहता सोवियत संघ उसका प्रतिरोध कर देता और जहां सोवियत संघ चाहता अमेरिका उसका प्रतिरोध कर देता। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की ये जो महत्वपूर्ण समिति थी सुरक्षा परिषद,
इसकी भी स्थिति काफ़ी एक तरह से दयनीय हो गई, कमज़ोर स्थिति में आ गई और संयुक्त राष्ट्र संघ एक कमज़ोर संगठन के रूप में उभर कर सामने आया। ये भी विश्व राजनीति पर शीत युद्ध का प्रभाव पड़ा। अब कुछ इसके सकारात्मक प्रभाव भी पड़े शीत युद्ध के, जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्भव। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में हम सब जानते हैं कि आज भी यह संगठन अस्तित्व में है और इसकी प्रभावशीलता बढ़ती जा रही है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध का ही परिणाम माना जा सकता है, क्योंकि उस समय कुछ राष्ट्र पूंजीवादी थे, कुछ राष्ट्र साम्यवादी थे, या हम यूँ कहें कुछ अमेरिका का समर्थन कर रहे थे, कुछ सोवियत संघ का समर्थन कर रहे थे। तो कुछ ऐसे राष्ट्र भी थे जो इन दोनों गुटों से अलग रहना चाहते थे, किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति लागू करना चाहते थे। तो कुछ राष्ट्रों ने मिलकर, जिसमें भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया, इन तीन राष्ट्रों ने मिलकर एक अलग संगठन बनाया जिसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है और स्वतंत्र विदेश नीति का चिंतन करना शुरू किया। तो एक कुछ सकारात्मक परिणाम भी शीत युद्ध के माने जा सकते हैं। कहने का अर्थ यही है कि शीत युद्ध की राजनीति ने विश्व व्यवस्था को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। विश्व व्यवस्था के मानक बदले, विश्व में राष्ट्रों के जो आपसी संबंध थे वो किस प्रकार के होंगे, किस राष्ट्र का क्या दृष्टिकोण होगा और किस राष्ट्र की विश्व व्यवस्था में क्या भूमिका होगी, इसका निर्धारण उस राष्ट्र के हाथों में न रहकर पूंजीवादी और साम्यवादी दो गुटों के आधार पर होने लगा। कोई भी चाहे राष्ट्र वो अमेरिका का समर्थन कर रहा हो तो सोवियत संघ उसका अस्वतः विरोधी माना जाता था। जैसे बर्लिन का विभाजन किया गया, बर्लिन की नाकेबंदी की गई, जर्मनी का विभाजन किया गया, कोरिया का विभाजन किया गया, इस प्रकार अलग अलग जो विभाजन किए गए वो पूंजीवादी और साम्यवादी राष्ट्रों के आधार पर किए गए और विश्व व्यवस्था दो गुटों में बट गई। तो हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध के वातावरण में विश्व व्यवस्था में काफ़ी बदलाव आए, विश्व व्यवस्था दो गुटीय हो गई, संयुक्त राष्ट्र संघ कमजोर पड़ गया, सुरक्षा परिषद काफ़ी दयनीय अवस्था में आ गई, राष्ट्रों विश्व में जो वातावरण था वो आतंक और अविश्वास का हो गया और विश्व व्यवस्था अराजक और तनावग्रस्त हो गई। तो काफ़ी हद तक शीत युद्ध ने विश्व राजनीति को प्रभावित भी किया। तो इस बिंदु में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि शीत युद्ध से हमारा क्या आशय है, शीत युद्ध की प्रकृति किस प्रकार की रही है, शीत युद्ध के उदय के लिए कौन से कारण उत्तरदायी माने जाते हैं और शीत युद्ध के वातावरण ने विश्व व्यवस्था को कैसे प्रभावित किया। इन सब बातों का अवलोकन करके हम इस अवधारणा को समझ सकते हैं और शीत युद्ध के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। सभी का धन्यवाद।